हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। आई एम हियर योर मेंटोर अंकिता मैम, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। आज हम अपने इस लेक्चर के बाद हम लोग आराम से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमसे अगर कोई सवाल जवाब करेगा तो उसके सवाल का हम सही सही जवाब दे पाएंगे, बट उसके लिए आई बिलीव कि आप लोग कंसिस्टेंसी से मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे वन बाय वन, बिकॉज किसी ने कहा है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम द थिंग्स यू डू ओकेजनली, बट इट कम्स फ्रॉम द थिंग्स यू डू कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में, आपके डिसिप्लिन में, शेड्यूल में स्थिरता हो। स्थिरता का मतलब कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहे हो तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द सक्सेस। कुछ भी कर रहे हो, शेड्यूल बनाया है, कल से ये पढ़ना है, आज ये चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है, डिसिप्लिन, सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, इतने ही टाइम तक मुझे थोड़ी देर वीडियोस देखनी है, ये मेरा लेक्चर का टाइम है, हर एक चीज़ में जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो फिर यार कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से। कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया का, दिस इज द की। कंसिस्टेंसी के अंदर हर एक वो चीज़ आ जाती है, डिसिप्लिन, तुम्हारी सीरियसनेस, तुम्हारा डेडिकेशन, सब कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर और आज फिनिश करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फिर वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो एक छोटा सा चैप्टर होगा, ठीक है, उसके बाद हम अपने बॉटनी वाले पार्ट पे, पहले चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स थोड़ा सा अगर हम याद कर लें कि लास्ट वाले पोर्शन में हमने क्या क्या फिनिश कर लिया था बेटा, तो पहले लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर में हमने वो जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब बेसिकली जो हमारा गेमेटोजेनेसिस वाला पार्ट था, हमने समझ लिया था कि गेमीट्स बन गए हैं, हमने गेमीट्स बना लिए थे, ट्रांसफर का हमको पता है कि एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। अब क्या होगा इनका, जब ये गैमेट्स उस जगह पे चले जाएंगे जहां पे इनको फर्टिलाइज होना है, वहां जाके वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा फर्टिलाइजेशन। जब वो फर्टिलाइज करेंगे कहाँ पे करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपडेटेड एनसीईआरटी में इसका एक अपडेट भी आया है, पहले थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, बट अभी उन्होंने इसको सही कर दिया है। तो चलो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो एज आई टोल्ड यू, फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन। तो जल्दी से देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं जल्दी फटाफट से। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इन टू द यूट्रस, एंड फाइनली रीच द एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन। ये सारी बातें अपने को पता है, लेकिन एक चीज, सवाल कहाँ से आएगा, ये आएगा बेटा, देखो एम्पुला जंक्शन। मैंने इस चीज को अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक बार डिस्कस भी किया है कि एम्पुला वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, इधर उधर, ठीक है, तो हम ऐसी प्रेगनेंसीज को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं होती है, फैटल भी हो सकती है कई केसेस में। तो एम्पुला जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म को भी वहीं पहुंचना है, ठीक है, और हमारे ओवा को भी वहीं पहुंचना है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यस, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड, राइट, ठीक। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लेड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। देखो एक बात लिखी है एनसीईआरटी में, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, सोचो कि ये अगर फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस वाले जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों सारी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती, या सारे पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होकर प्रेगनेंसी में नहीं कन्वर्ट होता है। दिस इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट। प्लस बेटा यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जिसको एनसीईआरटी बहुत बताती नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है उसने, तो जरूरी है ये। क्यों नहीं ओपन हो रहा है मेरा ब्लैक कलर, हाँ चलो यहाँ देखो, ये ओवम जो वहां पे रिलीज हुआ था, याद है कहाँ, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, 14th डे पे एलएच सर्च के बाद ये ओवम रिलीज हुआ था, जिसके पास डोना पेलिसिडा नाम की लेयर थी उसी समय,
याद है, उसके किनारे किनारे कुछ ग्रैनुलोसा लेयर्स थी, उन ग्रैनुलोसा लेयर्स को यहाँ पे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, वहां पे भी इनका नाम ये था, बट एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, तो वी कैन लाइक स्किप इट फॉर दैट। तो जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा और पेरिविटलाइन स्पेस। जब स्पर्म यहाँ आता है तो इसको तीन चीजें मिलती हैं, कैसे याद करोगे, सी जेड पी, ऐसे आज तक ऐसे याद हुआ, अभी भी आप ऐसे ही याद करोगे। सबसे पहले उसको मिलती है कोरोना रेडिएटा की सेल्स, फिर जोना पेलोसिडा और फिर पेरिविटलाइन स्पेस। ये ध्यान रखना, ये फिगर ध्यान रखना, इजी सा फिगर है बट फिर भी आपको आना चाहिए। और ये स्पर्म जा रहे हैं, स्पर्म्स के रास्ते में पहले आएगा कोरोना रेडिएटा, स्पर्म्स के पास एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं जिनकी वजह से ये इन लेयर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके पेनिट्रेट करेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलोसिडा लेयर of the ovum and induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize the ovum. कह रहे हैं बेटा कि जैसे ही sperm corona radiata, zona pellucida और के कॉन्टैक्ट में आता है, वैसे ही वो कुछ मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है कि बाकी सारे स्पर्म्स कोई भी उससे फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। व्हाई फॉर, बिकॉज टू इंड्यूस दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, ताकि ओवा को सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, बार बार सारे तो नहीं कर सकते ना, कितना सारा जायगोट बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, देर आर सम एक्सेप्शन दो। चलो, the secretions of the acrosome helps the sperm to enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Obviously, abhi discuss kiya ki jo enzymes present hai acrosome mein, wo help karte hai in penetration. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. Yaad hai tumko metaphase 2 mein, yahan pe metaphase 2 mein hamara wo ovum apna second meiotic division mein jaake arrest ho gaya tha. और यहाँ पे एक फैक्टर बेटा रिलीज होता है जिसका नाम है मेटाफेस प्रमोटिंग फैक्टर, मेटाफेस प्रमोटिंग फैक्टर, और तब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और फिर फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है, जाइगोट। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, दोनों ही डिविजन यहाँ पे अनइक्वल थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं था, and results in the formation of second polar body and haploid ovum that is ओटिड। ठीक, याद रखना, ये ओटिड या ओवम स्पर्म से मिलेगा, इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और बन जाएगी एक चीज जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। अब बेटा एक चीज आती है, कई चैप्टर्स में ये चीज दी हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, कि क्या उसका सेक्स होगा। तो हमें बचपन से हम एक बात जानते आए हैं कि जो फीमेल होती है, फीमेल का ये फीमेल, ठीक, और ये मेल, इनके पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं। यार अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो फीमेल के पास क्रोमोसोम होता है एक्स, ठीक, और मेल के पास क्रोमोसोम होता है एक्स वाई। जब इसमें मियोसिस हुई थी, यू रिमेम्बर द जर्म सेल्स हियर, ठीक है, एंड द ओगोनिया देयर, मियोसिस के टाइम पे बेटा, मियोसिस के टाइम पे क्योंकि प्लॉइडी बदल जाती है तो 50% गैमेट्स में एक्स और 50% गैमेट्स में एक्स जाएगा इन केस ऑफ फीमेल। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 50% में एक्स और 50% में जाएगा वाई। जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ये एक्स इससे मिल जाए और सेक्स क्या हो जाए, एक्स एक्स, ठीक, हो सकता है ये एक्स इससे मिल जाए, ये सब हमने पढ़ा है, ये एक्स एस वाई से मिल सकता है तो एक्स वाई बन जाएगा, और बेसिक फिर से अगेन ये एक्स इससे मिल सकता है तो एक्स वाई बन जाएगा। दिस इज वेरी इजी, बट ये बात आपको ये बताना चाहता है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी, देखो बेटा जो फीमेल है वो तो चाहे कोई भी गमेट हो उसको क्या प्रोवाइड करिए, एक्स ही प्रोवाइड करिए, यहाँ पे भी जो वेरिएशन है वो यहाँ पे। अब अगर मेल का एक्स वाला गमेट फर्टिलाइज किया तब तो ठीक, तब तो फीमेल बन जाएगी, और वाई वाला किया तो क्या बन जाएगा,
मेल बन जाएगा। इसको कहते हैं मेल हेट्रोगेमिटी, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम मेल हेट्रोगेमिटी, इसीलिए ये बोला जाता है कई जगह लोग, कई जगह गांव में, रूरल एरियाज में फीमेल को ब्लेम किया जाता है टू फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर सपोज करो अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है बेटा जहाँ पे अगर लड़की पैदा होती है तो लोग उसको ब्लेम करते हैं कि लड़की पैदा की ये वो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेल पार्टनर। दो ये मेल के कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है, बट यस इट डिपेंड्स ऑन द मेल पार्टनर कि कौन सा गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, एक्स या वाई, कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, एक्स या वाई, ठीक। तो इससे डिटरमाइन हो जाता है कि सेक्स क्या है। उसके बाद अब बेटा जाइगोट बन गया, ये देखो ये रहा हमारा सुंदर सा जाइगोट। जाइगोट में आप शुरू होगा माइटोटिक डिविजन, जिसको क्लीवेज भी बोला जाता है, इधर क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट होगा, ठीक। यहाँ पे सपोज करो एम्पुला के पास, देखो दिस इज द पॉइंट, ये बन गया जाइगोट। यहाँ पे देखो एम्पुला के पास हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अब देखो धीरे धीरे ये स्टेप, ये जो हमारा फॉर्म स्ट्रक्चर है ये जाएगा यूट्रस की तरफ, और प्लस साथ में इसमें क्लीवेज भी होता जा रहा है। अगर तुम इसको बड़ी पिक्चर में देखो तो ये देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड कर रहा है, इसकी नंबर ऑफ सेल डिवाइड करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, इवेंचुअली एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, जो जाके डिवाइड करता है। मैंने पहले लेक्चर में पहली स्लाइड पे बात बताई थी आपको कि ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होता है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। चलो पढ़ते हैं, द माइटोटिक डिविजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस और द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं उसको, ओविडक्ट की तरफ जाता रहता है वो टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं, दीज सेल्स, दीज ऑल सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्लास्टोमियर्स, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। द ब्लास्टोमियर्स एंड द ब्लास्टोसिस्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट ये लास्ट वाला, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा अपने आपको अरेंज कर लेते हैं सारी सेल्स, कुछ सेल्स इसे पेरिफेरी पे चली जाती है किनारे किनारे, और कुछ सेल यहाँ पे मास बना लेते हैं। उसी के बारे में लिखा है कि द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एज इनर मास सेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द एमसीक्यूज हियर। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट में देखो बाहर वाली लेयर्स हैं, ये बाहर वाली लेयर्स को कह दिया जाता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ट्रोफोब्लास्ट से लगी हुई होती है ये भी, इनको कहते हैं इनर मास सेल। बेटा ये जो इनर मास सेल्स होती है इनमें स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स आर टोटली पोटेंट इन नेचर, दे कैन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे तो आगे लिखा भी मिलेगा ये हमें। चलो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स हैं बाहर अरेंज हो गई पेरिफेरी पे, वो कौन है, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एक मास बनाया सेल का, इनर मास सेल, ठीक है। फिर क्या हुआ, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स एज द एम्ब्रियो। मैंने अभी बताया कि इनर मास सेल में स्टेम सेल्स होती हैं और ये स्टेम सेल्स पूरा एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। अब एक सवाल यहाँ पे क्या आता है कि दोनों में से कौन सी सेल्स यूट्रस से अटैच होती है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ठीक, ना कि इनर मास सेल। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जो यूट्रस की सेल्स है वो उसको ऐसे करके कवर कर लेती है पूरी तरीके से, ठीक है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे, यही लिखा। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन व्हिच लेड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है, दैट्स अ कांग्रेचुलेशन स्टेट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गई प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड कर लिया आपने अंदर, व्हिच लेड्स टू इम्प्लांटेशन एंड देन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई, अब क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई तो चलो प्रेगनेंसी के बारे में देख लेते हैं यार यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक। आ जाओ अब देखो बेटा, हमें ये देखना है, मुझे एक स्ट्रक्चर समझाना है आपको, ठीक। सपोज करो ये यूट्रस है, ठीक, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज आया, लेट्स से ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज आया, ठीक, ये ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज आ गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह की विलाइज बनती हैं, एक को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय
और एक को हम कहते हैं यूटराइन विलाय। यूट्रस भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, और दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। इस तरह के अटैचमेंट को हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। यहाँ पे होता है इंटरडिजिटेशन, ये ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इंटरडिजिटेशन। और यही जो इंटर, सपोज करो मेरी फिंगर अगर इंटरडिजिटेड पार्ट है तो इसी को हम आगे जाके क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसी के थ्रू, ठीक है, इधर से इधर न्यूट्रिशन का या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है, अब इसको पढ़ते हैं। अरे अरे अरे, अरे हाँ चल, द कोरियोनिक विलाई मतलब ब्लास्टोसिस्ट वाली विलाई, एंड द यूट्राइन टिश्यू, ये भी यूट्राइन विलाई बनाती है, बिकम इंटरडिजिटेटेड with each other and jointly form a structure which is a functional unit between the developing embryo and the maternal body, functional unit between the developing body and the embryo, that is called as placenta. This is a very very important thing. Placenta banta hai jo connection hai ek mother ka uske baby se, placenta ke through, aur yahi pe aata hai placenta function. Ye bahut important hai, function of placenta. ठीक, अब देखो प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। प्लेसेंटा का सबसे पहला फंक्शन है बेटा ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना, प्लस एक्सक्रीशन ऑफ, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एक्सक्रीशन ऑफ CO2 या फिर और वेस्ट मटेरियल्स, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका एक्सक्रीशन कराना, ठीक है, ये तो करती है आदान प्रदान सारी चीजों का, ऑक्सीजन ला रही है, न्यूट्रिएंट्स ला रही है, CO2 और वेस्ट मटेरियल्स को ले जा रही है, ठीक। और क्या करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और करता है बेटा बहुत सारे काम, प्लेसेंटा रिलीज करता है बहुत सारे हॉर्मोन्स, ठीक है। प्लेसेंटा एक टाइम पे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो हॉर्मोन सिक्रीट करें, ठीक, इट्स अ टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू, ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू भी है, याद रखेंगे, लिखा है ये शब्द एनसीईआरटी में, ठीक। अब एंडोक्राइन टिश्यू है तो हार्मोन्स रिलीज करेगा, तो सबसे पहला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा हमारा वही हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। इसके फुल फॉर्म्स आप सब देखोगे एनसीईआरटी से, मैं आपको फटाफट से फंक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ, कुछ खास लिखती नहीं है एनसीईआरटी इसके बारे में, बट फिर भी थोड़ा जानो। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाती रहती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, जे लो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाओ। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन टर्म कहाँ से आया, मिल्क से आया, लैक्टेशन से आया, इट प्रिपेयर्स द मदर बॉडी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है, बहुत सारे काम है इसके। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये नहीं रहेगा अगर बॉडी में, तब तो कुछ नहीं हो सकता, इसका अपना 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 फंक्शन है बहुत सारा। ये चार हॉर्मोन्स आपको याद रखने हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो प्लेसेंटा रिलीज करता है। एक और बात बताऊं अगर, तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, एक टर्म लिखा है रिलैक्सिन, बहुत डिबेट हुआ है इस पे एक समय में कि ये कौन रिलीज करता है, प्लेसेंटा रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, बट अब एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक बात लिख दी है कि रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है नाम, क्या काम है इसका, रिलैक्सिन, नाम से कुछ रिलैक्स करा रहा है। देखो बेटा जब लेबर होता है, लेबर पेन होता है, या लेबर के लिए या फिर बहुत सारी चीजों के लिए मदर की बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही है बॉडी, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस के लिए आप समझ लो इट प्रिपेयर्स द मदर बॉडी फॉर द लेबर, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर लेबर, लेबर के लिए प्रिपेयर कराता है ये बॉडी को। कौन सिक्रीट कर रहा है, ओवरी कर रही है, याद रखना, ठीक, ओवरी कर रही है लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में। दो सवाल बन सकते हैं, बाद वाले स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में और क्या, प्रिपेयर द बॉडी फॉर द लेबर, ये दो बातें आप याद रखोगे यहाँ पे, और कुछ नहीं समझना है यहाँ पे। प्लेसेंटा के फंक्शंस को याद रखना, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी चीजें एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है, HCG, HPL, जो हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं
उसमें एचसीजी के ही प्रेजेंस से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी है बेटा तो प्लासेंटा बन गया है, अगर प्लासेंटा बन गया है तो वो एंडोक्राइन टिश्यू भी बन गया है और वो एचसीजी भी सिक्रीट कर रहा है। एचसीजी सिक्रीट कर रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक, लेट्स गो आगे। अब क्या है, इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे अगर तुम एक फीमेल बॉडी, प्रेग्नेंट फीमेल बॉडी को चेक करोगे तो उसमें और भी हार्मोन्स हैं जो बढ़े रहते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन से? इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे बढ़े रहते हैं, काफी गुना बढ़े रहते हैं। याद रखना कुछ कुछ क्या क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, थायरॉक्सिन है, ये सारी चीजें बढ़ी रहती है, प्रोलैक्टिन है, ये अगर तुम एक फीमेल प्रेग्नेंट लेडी में देखोगे तो इनका अमाउंट बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक, आगे देखो, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, विलाई बनाई, इनर सेल मास ने क्या किया, इनर सेल मास ने डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर एक्टोडर्म, पता है हमको इनर लेयर एंडोडर्म, और कुछ समय बाद इनके बीच में अमीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। इनर सेल मास, क्योंकि इसमें स्टेम सेल होती है, वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म एंडोडर्म, पहले एक्टो और एंडो बनती है, बीच में उसके मीजोडर्म आके बन जाती है। ठीक है, ठीक है, और क्या है, ये भी एक फोटो बनी हुई है, प्लासेंटा दिख रही है। ठीक, उसके बाद कैविटी ऑफ यूट्रस, योग साक भी एक स्ट्रक्चर बनता है अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, जो नरिशमेंट का ही काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद एम्ब्रियो दिख रहा है, प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, सर्विक्स में प्लग बन जाता है बेटा, एक हार्ट प्लग, कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो कि वो जो पूरा प्लग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं नीचे से सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या चीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या चीज है, देखो बेटा प्लेसेंटा पता है हमको, एम्ब्रियो भी पता है, आपस में कनेक्टेड है दोनों, आप ये समझ लो कि किसी भी चीज का आदान प्रदान जो हो रहा है ये अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से ही हो रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा व्हिच ट्रांसपोर्ट्स टू द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये बात हो गई, अब आ जाओ पार्चुरेशन, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, अब हम बात करते हैं अरे पार्चुरेशन कैसे कर सकते हैं, अभी तो जेस्टेशन नहीं आया। यस बेटा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने एज इट इज जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है ना वैसे लिख दिया है, क्योंकि ऐसे ही पूछेगा, चाहे तुम कितना भी दिमाग लगा लो, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, पांच महीना, किस पे क्या होता है, नो, आपको ऐसे ही याद करना है, आप समझ लो आपको ऐसे ही समझना है, इसको रट लो। ठीक, सबसे पहली चीज, जेस्टेशन पीरियड हमारा कितने टाइम का होता है ह्यूमंस का, 9 मंथ्स, 9 महीने का होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट हार्ट साउंड, बेटा हार्ट इज फॉर्म, ये बात याद रखो, हार्ट बन जाता है, और स्टेथोस्कोप से अगर आप सुनोगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। ठीक, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ये सब शब्द याद रखना यार, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स आर फॉर्म, दीज आर डिजिट्स, ये सब बन जाते हैं। एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब, 12 वीक्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है, 12 वीक को तुम 3 महीना भी कंसिडर कर सकते हो, तो क्या पता उनका मन करा तो उन्होंने 3 महीना लिख दिया, एंड ऑफ 3 महीना भी लिख सकते हैं 12 वीक्स को, ध्यान रखना इसको। मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम बोले तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ये सारी चीजें, यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं वो फॉर्म, यहाँ पे लड़का या लड़की जो भी बनने वाला है ये अपने को पता चल जाता है, लेकिन ये गैर कानूनी है, इसको आप नहीं पता कर सकते। ठीक, उसके बाद फिफ्थ मंथ, ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ क्या होता है, पहला मूवमेंट होता है, पहला जो बेबी होता है वो बन चुका है, उसकी खुरापात शुरू हो जाती है अंदर वोम के, तो फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, उसके सिर पे थोड़ा थोड़ा बाल दिखने लगता है, ठीक है, और वो क्या करने लगता है, खुरापात करने लगता है, अंदर मूवमेंट पता चलने लगता है उसका। फिर एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स विल बी इक्विवेलेंट टू लगभग 6 महीने, क्या होता है बेटा, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलेट सेपरेट हो जाती हैं, आईलेशेस बन जाते हैं, ये सारी चीजें बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, जिसको आप सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलते हो, 12 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है, 6 महीना भी बोल सकते हो। 9 मंथ में क्या होगा, By the end of 9 months, a fully grown baby will be formed, which will ready for parturition.
अब हमने जेस्टेशन कर लिया, जल्दी से पार्टुरेशन में देखते हैं क्या दिया है। पार्टुरेशन में विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज पार्टुरेशन। एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द वजाइना इज कॉल्ड एज, फ्रॉम द यूट्रस और वजाइना इज कॉल्ड एज पार्टुरेशन। बहुत ज्यादा विग्रस कंट्रैक्शन होगा, वहां पे प्रेजेंट है मायोमेट्रियम। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि मायोमेट्री में बहुत ही तगड़ा कंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाता है बेबी का, राइट। पार्टुरेशन एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है बेटा। न्यूरो आया टर्म इधर से, ठीक। एंडोक्राइन कहाँ से आया? ग्लैंड से। ग्लैंड कुछ नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये सब मिलजुल के ये काम में मदद करते हैं। क्या होता है, कुछ सिग्नल्स आते हैं पार्टुरेशन के। तो पहला सवाल, सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? तो फुली डेवलप्ड बेबी और प्लासेंटा दोनों से आते हैं। देखो, द सिग्नल्स फॉर पार्टुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा, ठीक। यहाँ से आता है एक रिफ्लेक्स आ जाता है कि बेबी इज फुली ग्रोन नाउ एंड इज रेडी फॉर पार्टुरेशन व्हिच इंड्यूसेस माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक। This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. Mamma ke pituitary se oxytocin nikalne lagta hai. Aur oxytocin kaam karta hai smooth muscle pe aur zyada. Khoob zyada contraction karwata hai. Dekho, oxytocin act on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction which in turn stimulates further secretion. Basically, ek lamba process hai, ek chain reaction jaisa hai. सबसे पहले फुली ग्रोन फीटस और प्लासेंटा ने सिक्रीट करवाया थोड़ा सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से निकला ऑक्सीटोसिन, उस ऑक्सीटोसिन से निकला और ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन होता गया। ये पूरा सीक्वेंस लाइन बाय लाइन होता रहता है, ठीक। द साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स, देखो, बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दिस लेड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्टुरेशन। बहुत कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता गया विच फाइनली लेड टू द पार्टुरेशन ऑफ द बेबी आउटसाइड, ठीक। अब जब पार्टुरेशन हो गया, बच्चा है, खाना खाएगा, भूख लगेगी ही, तो बेटा आ जाता है टर्म लैक्टेशन का। वही एनसीईआरटी में दिया है लैक्टेशन, उस बच्चे का लैक्टेशन कैसे होगा? तो पहली बात, मैमरी ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एज अ मिल्क इजेक्शन हॉर्मोन, ठीक। ये सब चीजें आप बहुत डीप में नहीं समझो अभी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस, यही मैंने आपको बताया, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। मम्मा लोग का जो मिल्क प्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है उसी को लैक्टेशन कहते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है लैक्टेशन का, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द न्यूबॉर्न बेबीज। ये बच्चे को रेजिस्टेंस देने में बहुत, क्योंकि रेजिस्टेंस देने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें होता है, इसमें होती है एक एंटीबॉडी जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। इनिशियल डेज की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मम्मा का काम है हमें बचपन से प्रोटेक्ट करके रखना, तो वो वहीं से हमारा प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देती है, हमें एंटीबॉडीज देना शुरू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी, आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप चैप्टर को 1.5x की स्पीड पर देखते हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, माय वर्ड्स विल बी क्लियर, तो आपका चैप्टर बहुत आसानी से 40-50 मिनट्स में कवर हो जाएगा। तो गो एंड डू अ थॉरो रिविजन ऑफ दैट। हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू वाइंड अप द चैप्टर इन टू लेक्चर्स। तब तक बेटा याद रखना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।